हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में परिचित कराऊंगा ना, जिस व्यक्ति ने असंभव को संभव में कन्वर्टेड कर दिया। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इम्पॉसिबल कन्वर्टेड इंटू पॉसिबल कर दिया। तो गाइस, ऐसे व्यक्ति जिसको जो है कि करेक्टली 12 बजे ही घर से निकलने का अधिकार हो और उसे पानी पीना तो दूर, उसे जो है कि पनघट पर चढ़ने का भी अधिकार ना हो, और तो और उसे क्लासरूम के अंदर बैठना दूर, उसे क्लासरूम के बाहर भी पढ़ने का अधिकार से वंचित किया जाए। ऐसे व्यक्ति इन सभी केसेस फेसेस को झेलते हुए यदि वो कोलंबिया लंदन महासंग्रहालयों में जाकर पढ़ता है, उसकी बुद्धि के आधार पर यदि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कि प्रोडक्शन कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति के लिए कितनी गर्व की बात है, उस व्यक्ति के समाज के लिए कितनी गर्व की बात है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस जी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करना चाहता हूँ। गाइस, फाइनली समझ गए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फाइनली बात करना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उन एक बड़ी सी घटना की जो उन्होंने बचपन में झेला था। तो एक महत्वपूर्ण घटना से आपको रूबरू कराऊंगा। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जो है कि आप देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, वो समय जब महामान डॉक्टर भीमराव जी के पिता रामजी मालोजी सतपाल, जिन्हें हम सूबेदार नाम से भी जानते हैं, गाइस उनकी ड्यूटी उस समय, वो मिलिट्री में जो है कि जवान हुआ करते थे उस समय, तो उनकी जो ड्यूटी थी वो कोरेगांव में लगी हुई थी। तो उस समय उनके दो बेटे जो कि एक आनंद जी, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें महामानव भी कहते हैं, तो वो और एक उनका भांजा मामा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भांजा, इन्होंने तीनों लोग जो है कि फाइनली अपने पिताजी के पास जाने के लिए योजना बनाई। तो ये फाइनली जो है कि सतारा से मैसूर तक ट्रेन से आए, वहाँ पर उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। तो उसके बाद जब वहाँ पर आने के बाद उन्हें मैसूर आने के बाद उन्हें तो कोई भी पता नहीं था किधर से जाना है, कौन सा रोड है, और फाइनली उन्होंने अपने पिताजी को जो है कि आदेश भी नहीं दिया, कोई चिट्ठी भी नहीं भेजा कि हम आपके पास आ रहे हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि वो तीनों बच्चे वहीं पर खड़े ही रह गए, आधी रात हो गई और सभी लोग वहाँ से जो है कि चले गए, सभी यात्री वहाँ से अपने अपने जगह अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन के जो रेलवे मास्टर होते हैं, स्टेशन के जो मास्टर हुआ करते हैं, और जो है कि जा करके उनसे थोड़ा दूर से बुलाया और उनसे पूछा कि आप क्या जाति है, तो वहाँ तीनों ने बताया कि हमारी वहाँ जाति है। उनको जो है कि दूर से लग रहा है कि ये किसी सवर्ण जाति के बच्चे हैं। तो उन्होंने फाइनली जो है कि दूर से ही उन्हें कहा कि इधर से कोई वो जो है कि आ रहा है, बैलगाड़ी से बोलते हैं, बैलगाड़ी इधर से जाती है तो इसी से आप लोग जा सकते हैं। तो फाइनली उन्हें जो है कि बैलगाड़ी मिली, वो तीनों लोग उस बैलगाड़ी पर बैठे और रास्ते में जाते जाते उन्होंने जो है कि पूछा कि बैलगाड़ी वाले ने पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है, तो उन्होंने तीनों फाइनली बताया हमारी जाति महार है। तो उसके बाद उन्होंने जो है कि फाइनली उन्हें जो है कि तीनों बच्चों को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके भांजे और आनंद जी को ऐसे फेंके कि जैसे कूड़ेदान से कूड़े को फेंका जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे फेंक दिए, फिर उन्होंने सोचा कि मेरी जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है, अपवित्र हो जाए। तो उन्होंने जो है कि आधी रात, मैक्सिमम 12 बज गए थे उस समय रात के, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि हमको पहुंचा दीजिए भाई, 10-12 साल के लड़के कितने उनमें जो है कि कॉन्फिडेंस होता है। तो उन्होंने फाइनली जो है कि हाथ पैर जोड़ करके उन्होंने फिर एक शब्द पर उनसे जो है कि हामी कर लिया, जी हाँ मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन इस शब्द है उन्होंने दुगना किराया देने के लिए भी हामी कर लिया। तो उन्होंने जो दुगना किराया भी दिया, उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा कि तुम जो है कि रिश्ता भी आओगे और दुगना पैसा भी दोगे, तो उन्होंने ये कर लिया। उसके बाद फिर वो पहुंचने के बाद उनको समझ में आ गया फाइनली कि हमें जो है कि क्लास टीचर जो है कि हमारी बातों को क्यों अनसुना कर देता है, और जो कि हमारी माँ को जो दुकान वाला होता है वो कपड़े दूर से ही क्यों पैक करके दिया देता है, उनको फाइनली समझ में आ गया। तो उसके बाद इन सारी घटनाओं को जा करके अपने पिताजी को बताया, तो उनके पिताजी ने उन दोनों तीनों भाइयों बच्चों से जो कि कहा, बेटा तुम लोग इस बातों को लेकर के जो है कि अपने सिर पर बोझा मत डालो, तुम लोग इतना पढ़ो ना, उन जो है कि सवर्ण जाति के बीच में जाकर के बैठो, तब तुम्हारी इज्जत होगी, वरना ऐसे ही आपको पूरे दान में फेंक दिया जाएगा। उन बच्चों ने जो है कि संकल्प लिया पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।
तो आज आप देख ही रहे हो कि कितना संघर्ष हुआ है। यदि आज हम आपसे फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं वीडियो के तहत, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। कहीं ना कहीं नहीं छोड़िए, 100% ही उन्हीं की देन है जो हम आपसे फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, वरना हमें तो बोलने का भी अधिकार नहीं था, एक ऐसा समाज है। तो गाइस आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा बीज डाले थे, इतना अच्छा फल हम लोग जो है काट रहे हैं। तो गाइस वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।